हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद मनोज भाटी की मूर्ति को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर सीएम ने शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर होने की बात कही और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी परिवार को जल्द मिलने का आश्वासन दिया। इस दौरान शहीद की पत्नी कोमल की तरफ से नौकरी देने की मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भरते हुए जल्द ही नौकरी देने का वादा किया। शहीद की पत्नी कोमल से मिलने के दौरान शहीद की मां सुनीता देवी और पिता बाबूलाल भी मौजूद रहे। हमारे लिए बड़े वैसे तो एक शहीद सैनिक वो चला गया, देश पर शहीद हो गया, परिवार के नाते भी हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है, बड़ा एक बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर वो शहीद हुआ है, शहादत के ऊपर गर्व भी है, इसलिए परिवार के लोगों को ढांढस बनाने के लिए मैं आया हूँ। और कुछ चीज़ें हमने तय की हैं कि इस शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे, तो यहाँ का जो स्कूल है उस स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी उनके नाम से रखा जाएगा, और इसके अलावा भी परिवार की सहायता के नाते से जो राशि होती है वो भी इनको जल्दी पहुंचेगी, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात भी हमने कही है, इसलिए परिवार की और भी जो सहायता संभव होगी सब उनका। बता दें, शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शोक जताने के बाद जिसकी यमुना नदी में डूबकर मौत हो गई थी उसके परिवार के वहां पहुंचकर भी शोक जताया। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।